आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको एसी मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उनकी कंट्रोल और पावर वायरिंग करना सिखाएंगे, साथ में मोटर के कनेक्शन करके मोटर को चलाना सिखाएंगे और मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों दिशा में कैसे की जाती है, उसका संयोजन कैसे परिवर्तित किया जाता है, कैसे परिवर्तन करते हैं, वो आज इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो डी एसी मोटर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए कौन कौन से स्टार्टर काम में लेते हैं अपन? एक तो डीओल स्टार्टर भी लेते हैं, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर लेते हैं, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी तीन प्रकार हैं। एक तो हो गया मैनुअली, एक हो गया सेमी ऑटोमेटिक, एक हो गया ऑटोमेटिक। और सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए आप किस स्टार्टर का उपयोग करते हो? डीओल स्टार्टर का। ठीक है, डीओल स्टार्टर के साथ अपन सिंपल जो स्टार्टर होते हैं अपने सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, ये जो सिंपल स्टार्टर है इसमें भी कॉन्टेक्टर लगा होता है, एक कॉन्टेक्टर अलग होता है स्टार्टर बनाने के लिए। ये जो कॉन्टेक्टर होते हैं इनसे भी क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक डीओल ऑटोमेटिक ये स्टार्टर बनता है। ठीक है, आपको सिंपल और कॉन्टेक्टर दोनों प्रकार के स्टार्टर का ड्यूल स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाकर आपको थ्री फेज और सिंगल फेज मोटर चलाना सिखाएंगे। तो पहले बात करें अपन ड्यूल स्टार्टर की, यह है ड्यूल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इस स्टार्टर से अपन थ्री फेज मोटर भी चला सकते हैं और सिंगल फेज भी चला सकते हैं, लेकिन थ्री फेज जो मोटर है वो 5 HP से अधिक क्षमता की मोटर इसे नहीं चला सकते। 5 HP तक की थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर अपने से चला, एक कॉन्टेक्टर से अपन ड्यूल स्टार्टर बनाकर भी मोटर को चला सकते हैं, चाहे वो थ्री फेज की हो चाहे वो सिंगल फेज की। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल फेज का मैटर। थ्री फेज एक तो होता है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, यह है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्ट। ठीक है, इससे अपन कौन से मोटर चला सकते हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर चला। ठीक है, 5 HP से ऊपर की रेंज की मोटर अपने सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला। ये स्टार्टर है अगला सेमी ऑटोमेटिक। एक तो होता है सेमी ऑटोमेटिक और ये होता है ऑटोमेटिक। इसमें क्या चेंजमेंट है? इससे सेमी ऑटोमेटिक में टाइमर नहीं होता है और इसमें क्या होता है? टाइमर होता है। ऑटोमेटिक में टाइमर लगा होता है, ये देखो यहाँ टाइमर लगा हुआ है। कुछ चेंजिंग है इसके कनेक्शन में, जो इसके कंट्रोल जो वायरिंग होती है उसमें कुछ चेंजमेंट भी होता है, कि टाइमर का कनेक्शन अलग से करना पड़ता है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक में अलग होगा और इसमें अलग होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑटोमेटिक जिसमें टाइमर लगा हुआ है, ये हो गया सेमी ऑटोमेटिक। अगर सेमी ऑटोमेटिक को भी आपको ऑटोमेटिक बनाना है तो आप क्या करोगे? ऑटो रिले लगाओगे, ये है ऑटो रिले। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, जैसे सप्लाई आई मोटर अपने आप चल गई, सप्लाई ट्रिप हुई मोटर बंद होगी। ठीक है, तो ये है ऑटो रिले, ये लगाना पड़ता है, इसमें ऑटो स्विच भी बोलते हैं, ऑटो रिले बोलते हैं इसको ना। तो अपन सीक्वेंस में पहले करेंगे ड्यूल स्टार्टर, उसके बाद में मैनुअल स्टार डेल्टा, उसके बाद में सेमी, उसके बाद में ऑटो। ठीक है, मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के हैं और ड्यूल स्टार्टर सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों का है। ठीक है, तो पहले तो आपको इनका सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन करेंगे, सेमी ऑटोमेटिक करेंगे और ऑटोमेटिक के करेंगे, और सीरियल वाइज जिस स्टार्टर का हमने सर्किट डायग्राम बना लिया उसकी कंट्रोल पावर वायरिंग करके मोटर को चलाएं। तो आज ये कितने स्टार्टर हो गए अपने प्रैक्टिकल में? कितने प्रैक्टिकल में हो गए? एक तो हो गया कॉन्टेक्टर का। कॉन्टेक्टर के अंदर थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर भी आपको कॉन्टेक्टर से बनाना सिखाएंगे, जिससे मोटर दोनों दिशाओं में चल सके। एक तो हो गया ड्यूल, एक हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दो तीसरा स्टार्टर क्या होगा? मैनुअल स्टार डेल्टा। तीसरा चौथा कौन सा हो गया? सेमी
सेमी ऑटोमेटिक और पांचवा स्टार्टर है ऑटोमेटिक। तो तीन तो हो गए सिंपल और तीन ही हो गए कॉन्ट्रेक्टर वाले। तो ये 6 से 7 प्रकार के जो स्टार्टर हैं इनके सभी की आपको कंट्रोल पावर वायरिंग करनी है, उसके बाद में मोटर चलाना आपको सिखाएं। तो अपन चलते हैं डीओल से। तो ये है अपने सिंपल डीओल स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद में अपन करेंगे कॉन्ट्रेक्टर वाला, यही कनेक्शन अपन कॉन्ट्रेक्टर में भी करके देखें इनको कैसे, कौन सी इसमें एनवीसी है, वो सारा अपने इसी प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे। तो अपन चलते हैं एक बार बोर्ड पे, आपको मैं सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद में आप करो सर्किट, बढ़िया आएगा। ये आपका डीओल स्टार्टर, इसमें क्या क्या लगा हुआ है? एक तो है एनवीसी। एनवीसी का पूरा नाम क्या है? 9 वोल्ट कॉइल। क्या काम है इसका? होल्ड करना, कॉन्टेक्टर जो होते हैं ना इसको चिपकाना। इसमें मैग्नेट बनती है और मैग्नेट से क्या होगा, ये प्लंजर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये प्लंजर है। और ये क्या है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों को क्या कर देगा, चिपका देगा, ठीक है। ऊपर है इनपुट टर्मिनल और नीचे है आउटपुट टर्मिनल। यहाँ दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, जहाँ एक ही दिख रहा है आपको, एक अंदर ही फिट है इसमें, ठीक है। एक होता है इसमें एन सिर, एक होता है एनओ, और सुरक्षा युक्ति के रूप में इसमें लगा होता है ये फ्यूज, ठीक है। इसको अब देखो, तीन तो कॉन्टेक्टर हैं इसके ऊपर, एक कॉन्टेक्टर है इसके पास में जो अंदर ही आपको दिखेगा नहीं, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। 4 कॉन्टेक्टर रहेंगे नीचे, जिसमें तीन तो सप्लाई के हो गए और एक ऑक्सिलरी का, ऑक्सिलरी के 2 कॉन्टेक्टर हो गए, ठीक है। एक लगी होती है इसमें एनवीसी, ये एनवीसी हो, ये इनपुट टर्मिनल है। इसमें आप 3 फेज सप्लाई भी दे सकते हैं और सिंगल भी दे सकते हैं। ये तो लाइन L1 L2 L3, अगर 3 फेज सप्लाई दे रहे हो तो L1 L2 L3 ये इनपुट से अपने बाहर निकालेंगे। ये हो गई आपकी एनवीसी। एक लगा होता है इसमें ऑफ पुश बटन, जिसको बोलते हैं अपने एनसी, और एक लगा होता है ऑन पुश बटन, जिसको बोलेंगे अपने एनओ, ठीक है। एनओ के दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से जुड़ने चाहिए, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर अंदर के अंदर ही टच है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्टेक्टर इस ऑक्सिलरी से जोड़, पैरेलल में हो गए ना, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑन पुश बटन का, ये हो गया, ठीक है। ये काम हो गया। अब आप सिंगल फेज मोटर चला रहे हो तो एक तो लेना है आपको न्यूट्रल और एक आपके पास होना चाहिए फेज। न्यूट्रल सप्लाई का पॉइंट उठाना और डायरेक्ट किस में देना है, एनवीसी, एनवीसी में लगा देना। अब फेज वायर लेना है आपको, फेज वायर कहाँ देना है, पहले फेज वायर को सी